हेलो एवरीवन, बच्चों आज आपको हम सोशियोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाएंगे, बताएंगे उनको। आप चाहें तो अपने हैंड रिटन नोट में नोट कर सकते हैं, और नहीं तो स्किप करके वीडियो को कई बार देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, कोई चीज़ नोट बनवा दी जाए, लिखवा दिया जाए, पढ़वा दिया जाए, उसको एक बार, दो बार, तीन बार नहीं बल्कि चार बार किसी चीज़ को अगर आप लगातार सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, लिख लेते हैं, तो वो पूर्ण मानी जाती है। अब जैसे समाजशास्त्र के जनक का नाम सबको पता है, अगस्त कांट है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा आपके इसमें क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है सही कथन आदर्श प्रारूप शुद्ध प्रारूप है, ये सही है कि गलत है? तो ये तो सच है। सामाजिक समूहों का संग्रह है, समाज समूहों का संग्रह है, ये किसने कहा है? तो ये चम जॉनसन ने कहा है, जॉनसन महोदय। वो ग्रुप मानते हैं समाज को। इसके बाद अलावा क्वेश्चन है कामटे का त्रिस्तरीय सिद्धांत। कामटे का त्रिस्तरीय सिद्धांत में तीनों अक्षर करके एग्जाम में दे देता है और पूछता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। अब जैसे धार्मिक है, तात्विक है, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ऐसे नॉर्मल बोलते हैं, और प्रत्यक्षवादी बोलते हैं समाजशास्त्री भाषा में वैज्ञानिक को ही। तो ये तीनों के अलावा एक और दे देता है, पूछता है कौन है, तो आप बताएंगे। जब आप तीनों, आपको ये तीनों याद रहेगा, इसको बार बार रिवाइज करेंगे तभी तो। इसलिए आप लोग इसको, इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट जरूरत की चीज़ें हैं। ये आपको PGT में भी मिलेगा और नेट की परीक्षाओं में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा किस विद्वान ने भविष्य में आने वाले को साम्यवादी और समाजवाद की चर्चा की? कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की चर्चा की और कहा कि समाजवाद जरूरी है, समाज में सभी लोग बराबर हैं। और युक्तिकरण के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो वो मैक्स वेबर है। इसके अलावा गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी है? एस डांगे ने लिखी है। सार्वभौमिक सभ्यता की अवधारणा किसने दी थी? डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने दी थी। और मेरे विचार से मानव को मानव बनाना ही अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। समाजशास्त्र में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग कौन सी सदी में होने लगा? वो होने लगा आपके 19वीं सदी में। इसके अलावा और क्वेश्चन है, जैसे देखिए लाइफ स्टाइल एंड लाइफ चांसेज के जनक कौन है? तो मैक्स वेबर हैं। निम्नलिखित में से किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा का प्रयोग किया? LF वार्ड। किसके अनुसार समाजशास्त्र एक शुद्ध और सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है? ये कहे हैं रॉबर्ट विरस्टीड अपनी बुक सोशल आर्डर में। इसके अलावा किसने यह कहा कि तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है? इमाइल दुर्खीम बोलते हैं, दुर्खीम महोदय। इसके बाद समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को व्यवहार पर विशेष महत्व दिया है, किसने कहा है? प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है, ये कहा है उन्होंने, अगस्त कांट ने। समाजशास्त्र की अध्ययन निम्नलिखित में से अवधारणा के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को कहते हैं संस्कृति। रानी शास्त्र से संबंध रखता है, जबकि समाजशास्त्र सभी प्रकार के मानव संबंधों से, किसने कहा है? गार्नर महोदय ने। इसके अलावा सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन ये बुक किसकी है? तो मैक्स वेबर की है। अब एक डिफिनीशन है कि भारतीय समाज न तो औद्योगिक रूप से विकसित है और न ही आदिम समाजों की भांति पिछड़ा हुआ, इसलिए भारत जैसे विकासशील समाजों में समाजशास्त्र और मानवशास्त्री की अध्ययन वस्तु समान है, ये किसने कहा है? TB बाटोमोर ने एक गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर नामक बुक में। इसके अलावा आपके देखिए राइटर हैं सोरोकिन, उन्होंने कंटेम्प्रोरी सोशियोलॉजी में नामक बुक लिखी थी। और आगे है कि एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है क्या क्या है? सामान्यता है, वैसायिकता है, निश्चयात्मकता है, लेकिन क्या नहीं है पूछता है, तो अक्सर करके नैतिकता दे देता है या सहज बोध अवलोकन दे देता है, तो वो चीज़ें नहीं हैं। और राजनीतिक क्षेत्र ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, ये कहा है गिंसबर्ग ने। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत सर्वप्रथम अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, उसके बाद आगे बढ़ाने का मैक्स वेबर ने किया था। सामाजिक क्रिया समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन विषय वस्तु है, ये मैक्स वेबर ने कहा। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर। आदर्श प्रारूप विश्लेषण की रचना या विज्ञान है लेविस कोजर,
बेवर ने आदर्श प्रारूप के सिद्धांत को किससे ग्रहण किया था? डिल्थे या इस्माइल दोनों लोगों से, डिल्थे व सीमाइल दोनों लोगों से मिलकर इन्होंने ग्रहण किया था। इसके अलावा सामाजिक वर्ग मुख्यतया आर्थिक आधारों पर आधारित है, किसने कहा? मैक्स वेबर ने, वर्ग पर स्थित मैक्स वेबर ने दिया था। आधुनिक समाजों का पूंजीवाद बाजार से जुड़ाव है, पूंजीवाद मनुष्य के जीवन में बाजार के माध्यम से अवसर प्राप्त करता है, मैक्स वेबर। औपचारिक बुद्धिसंगतता को आधुनिकता की कुंजी माना है, मैक्स वेबर ने। वेबर के बुद्धिसंगतता के आधारों में किन्हें शामिल किया जा सकता है? तो औपचारिक, वास्तविक और सैद्धांतिक सबको शामिल किया जा सकता है। वेबर के समाज या सामाजिक स्तरीकरण के आधार में किन्हें शामिल किया जा सकता है? तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक को नहीं शामिल किया जा सकता है। जबकि ऐसा रेनेसा आंदोलन कब हुआ था? 14वीं सदी में। मनुष्य का भाग उसके चरित्र पर निर्भर करता है, ये कहा है मार्टिन लूथर ने। और द मेडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, ये बुक्स मैक्स वेबर ने 1904 में लिखी थी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में लिखी थी। और द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1922 में। और द सिटी बुक अभी इस बार पीजीटी की परीक्षा में पूछी गई थी, और अक्सर करके नेट परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययनों में सर्वप्रथम मूल्यों की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को संबंधित किया है किससे? कैल्विनवाद से। किसके अनुसार समाज की इकाई व्यक्ति है? मैक्स वेबर के अनुसार। समाज एक मूल्य मुक्त विज्ञान है, किसने कहा है? वेबर ने। वेबर ने एक स्वार्थ वर्ग बना दिया है। सामाजिक क्रिया का प्रयोग वेबर ने द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक बुक में दिया है। वेबर ने स्तरीकरण के तीन आधार बताए हैं, शक्ति, प्रतिष्ठा और संपत्ति। सामाजिक पारिस्थितिकी डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने। मुखर्जी ने मूल्यों को दो भागों में बांटा है, साध्य मूल्य और साधन मूल्य। इसके अलावा डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित थे। आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, पूरा आप लोगों को वीडियो बनाए थे। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र को दो भाग में बांटा गया है, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। तो समन्वयात्मक के समर्थक कौन थे? राधा कमल मुखर्जी। और लिपले व डिमोलिंस, इन्होंने प्रादेशिकता की अवधारणा दी है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य सामाजिक है। राधा कमल मुखर्जी ने अपनी बुक लिखी थी द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहा जाता है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ है। समाजशास्त्र किसी अन्य विज्ञान का सहायक नहीं है, बल्कि स्वयं एक जीवन और सामंजस्यपूर्ण विज्ञान है, दुर्खीम ने कहा है। विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं, स्टुअर्ट चेज ने कहा है। और राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहते थे गांधी। प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा, गांधी जी। यंग इंडिया 1919 में गांधी जी ने लिखा था। भूदान और ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे ने किया था। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों में पहली पुस्तक इंडियन ओपिनियन थी। गांधी जी को सामाजिक विचारक के रूप में जाना जाता है। यंग इंडिया इनकी काफ़ी पॉपुलर बुक थी। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, दैट्स ऑल। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अपने हैंड रिटन नोट में नोट कर सकते हैं, या इसको कई बार स्किप करके रिवाइज कर सकते हैं, सुन सकते हैं वीडियो। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों।